नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। महंगाई के खिलाफ आवाज, महंगाई बढ़ाने में कामयाब है सरकार। जांजगीर जिला आम आदमी पार्टी जिला जांजगीर चांपा के पदाधिकारियों ने महंगाई के खिलाफ आवाज उठाते हुए केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए बताया कि आम जनता महंगाई की मार से जूझ रहा है और केंद्र एवं राज्य पर बैठे सरकार महंगाई रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। वहीं डीजल और पेट्रोल की दाम 100 से पार होने जा रहा है, लेकिन सत्ता पर बैठे गलियारों जनता के प्रति कुछ नहीं कर पा रहे। देश की पूरी पूंजी को चुनाव पर लगा रहे हैं और जनता महंगाई की मार से जूझ रहे हैं। इसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ द्वारा जिला मुख्यालय में पहुंचकर महंगाई के खिलाफ ज्ञापन सौंप कर सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए आम जनता के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। आइए सुनते हैं सरकार की नाकामी की कहानी। योगेंद्र कुमार कश्यप की रिपोर्ट। पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, इवन जो खाने के तेल का भी दाम बढ़ा हुआ है, जिससे आम जनता, सभी विधानसभा के प्रभारी आए हुए हैं और उन्हें खुद ही असहाय महसूस कर रहे हैं। और उनका कोरोना काल में इनकम बिल्कुल कम हो गया, मैडम आधा हो चुका है और महंगाई बिल्कुल बढ़ते जा रही है और उसके कारण दिन ब दिन घर में लड़ाइयाँ भी हो रही हैं मैडम जिसके कारण, और जो इस महंगाई के कारण जो भी समस्याएँ आ रही हैं तो जल्द से जल्द नीतियों पर सुधार करके या फिर जनता को राहत महसूस बचा देंगे तो ये समस्या का निवारण ठीक। और ये हम पूरे प्रदेश में भी दे रहे हैं मैडम साथ में राष्ट्रपति जी के नाम से, और आशा करते हैं कि नीतियों में सुधार हो और उनके आर्थिक सुधार के लिए सरकार को ये अच्छे से करना है। मैं विंध्य सिंह राठौर, जिला अध्यक्ष जांजगीर चांपा आम आदमी पार्टी से। आज मैं अपने साथियों के साथ में जीएसटी वसूल रही है तो कोरोना काल में भी लोगों को राहत नहीं दे पा रही है, जिसमें लोगों की, जनता को एक सहायता प्राप्त हो। दूसरी वहीं पे दिल्ली की सरकार है, हमारी केजरीवाल की सरकार, जो 200 यूनिट बिजली भी फ्री दे रही है, साथ में अभी ऑटो ड्राइवर को 5,000 रुपये एक मुफ्त पैसा भी दिया गया है, स्कूल सुधार रही है और लोगों के 5 से 7 हज़ार, मिडिल मध्यम वर्गीय परिवार के 5 से 7 हज़ार रुपये बच रही है। तो ऐसी होनी चाहिए सरकार की नीतियाँ और ये दिल्ली मॉडल ही पूरे देश में होनी चाहिए, जिससे महंगाई नियंत्रण कर सके। अगर महंगाई नियंत्रण नहीं कर सकते तो सीधी सी बात है, केंद्र सरकार राज्य सरकार गद्दी छोड़े। गुड गवर्नेंस के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे और शिक्षित युवा से लेके हमारी पार्टी में बहुत काबिल लोग हैं, और अगर महंगाई कम नहीं करेंगे तो राज्य और केंद्र सरकार का हम लोग सड़क से लेके संसद तक पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।